तो हमने बच्चों कल पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर तक पढ़ाई करी थी, ठीक है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। अगला जो वेक्टर है उसका नाम है अनइक्वल वेक्टर, राइट। देखिए, देखिए दो वेक्टर्स अनइक्वल हो सकते हैं कब कब, अगर क्या हो उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाए डिफरेंट। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाए डिफरेंट और डायरेक्शन क्या रहे सेम। और तीसरा तरीका क्या है कि मैग्नीट्यूड भी अलग हो जाए और डायरेक्शन भी अलग हो जाए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट। तो अनइक्वल वेक्टर का क्या मतलब हो गया? अनइक्वल वेक्टर्स अनइक्वल तब होंगे, है ना, दो वेक्टर जब या तो उनका मैग्नीट्यूड अलग हो जाए या डायरेक्शन अलग हो जाए या दोनों हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या? अनइक्वल वेक्टर्स, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स आर हैविंग आइदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिफरेंट डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। यहां पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, यहां पर भी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पर भी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड स्पीड क्या है सेम होता है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इसका मतलब स्पीड होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा? अलग अलग। जैसे मान लीजिए इसका नाम है V1 वेक्टर, इसका नाम है V2 वेक्टर और इसका नाम है V3 वेक्टर। तो V1 वेक्टर, V2 वेक्टर और V3 वेक्टर यानी इक्वल होगा क्योंकि डायरेक्शन आ गया, लेकिन सिर्फ स्पीड यदि आप लिखें V1, V2, V3 या स्पीड है ये क्या रहेगा सेम। आप सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे इसको बोलते हैं हम UCM, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला टाइप हम बता दिया आपको, जिसमें कि क्या है मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड एक्चुअली सेम है और डायरेक्शन क्या हो रहा है बार बार बदलते जा रहा है। एक एग्जांपल दो, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लें फिर मैं आगे बताता हूँ आपको, ओके। चलिए आपको आगे बताता हूँ दूसरा का एग्जाम्पल, जब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा डिफरेंट और डायरेक्शन सेम। ये पॉसिबल है
स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें देखिए क्या है, एक पार्टिकल लगातार इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। यहां पर इसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पर वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और इस तरह से समझिए आप आगे क्या हो रहा होगा। तो आप वेलोसिटी को देखिए, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, लेकिन डायरेक्शन गलत बोलते हैं हमने, आई रिपीट, मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, ठीक है ना। जैसे ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए और ये सी ले लीजिए, तो ए के पास वेलोसिटी क्या है 10 i कैप, बी के पास वेलोसिटी क्या है 20 i कैप, सी के पास वेलोसिटी क्या है 30 i कैप। अब देखिए डायरेक्शन हर बार क्या रह रहा है, सेम डायरेक्शन हर बार क्या रह रहा है, सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है क्या, मैग्नीट्यूड हर बार क्या हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप का एग्जांपल, आप नोट कर लीजिए। चलिए आपको तीसरा एग्जांपल दे देता हूं मैं अनइक्वल वेक्टर का। इसको हम कहेंगे एनयूसीएम, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें देखिए क्या होता है, किसी एक मोमेंट स्पीड है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, किसी दूसरे मोमेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, और किसी तीसरे मोमेंट स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। अब देख सकते हैं स्पीड चेंज हो रहा है ना, स्पीड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। डायरेक्शन तो बदल ही रहा था, आपको पता है डायरेक्शन बदल ही रहा था ऑलरेडी, डायरेक्शन इज ऑल्सो चेंजिंग। तो ये तीसरा वाला एग्जाम्पल हो गया, ऐसे हजारों करोड़ एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक ही मैंने ले लिया जो आप आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, ठीक है, उसका वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा। तो स्पीड इसका बदल रहा है यानी कि मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन भी बदल रहा है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए, मान लीजिए कि ये क्या है v1 वेक्टर, मान लीजिए कि ये क्या है v2 वेक्टर, और इसको मान लीजिए कि ये क्या है v3 वेक्टर, ठीक है। तो अगर स्पीड की बात करें तो ये भी अलग है, स्पीड क्या है डिफरेंट, और वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी तो डिफरेंट था ही था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से अनइक्वल वेक्टर क्या होता है, ठीक है, वो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अनइक्वल होने का शर्त आप जान गए, तो इक्वल होने का शर्त भी आप समझ सकते हैं, दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है ना। तो इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, एग्जांपल ईस्ट में जा रहा है कोई, ठीक है ना, यहां पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और आगे भी है, ये ए है, ये बी है, ये सी। अब देखो वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी एंड वेलोसिटी एट सी, ये सब का सब क्या है 10 i कैप है, बताइए। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप बोलेंगे इक्वल वेक्टर, सो सिंपल, ठीक है।
एक और चीज सीख लो, एक होता है अपोजिट वेक्टर, या इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगा 180 डिग्री पे, ठीक है ना। टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब 180 डिग्री पे, इसी को हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल। जैसे एक वेक्टर है ए फोर आई कैप, एक वेक्टर है बी माइनस फोर आई कैप। देख लो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, चार। डायरेक्शन क्या है, एक का पूरब एक का पश्चिम, ठीक है ना। तो ऐसे इन जनरल मान लो ये वेक्टर ए है, इसके पीछे क्या होगा, वेक्टर माइनस ए। ये अगर वेक्टर बी है, इसके पीछे वेक्टर क्या होगा, माइनस बी। ऐसे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, नोट कर लो। एक और एग्जांपल बता देते हैं अपोजिट वेक्टर का। मान लो ये है ए बी वेक्टर, इसको क्या मान लिए, आर वेक्टर। इसका उल्टा लिख सकते हो बी ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, माइनस आर वेक्टर। यानी कि ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर को बराबर कर सकते हो, एक नेगेटिव साइन दे देना, ठीक है ना। चलिए तीनों एग्जांपल नोट कर लो, ये अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं आपको हम। दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं कब, जब इनके बीच का एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। इसमें और कुछ एक्स्ट्रा बताने का जरूरत है नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये समझना जरूरी है कोप्लैनर। कोप्लैनर का मतलब होता है, प्लेन समझते होंगे पहले, आप प्लेन समझिए। एक चीज होता है लाइन, एक चीज होता है सरफेस, और एक चीज क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। लाइन का मतलब होता है वन डायमेंशन, सरफेस का मतलब होता है टू डायमेंशन, अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, थ्री डायमेंशन। लाइन, लाइन में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ। सरफेस में क्या होता है, एरिया। अब वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम होता है और क्या। तो लाइन में सिर्फ लेंथ होता है, सरफेस में एरिया, एरिया में क्या आ जाता है, लेंथ आ जाता है और विड्थ आ जाता है, जानते होंगे। अब वॉल्यूम में क्या आ जाता है, लेंथ विड्थ और थिकनेस, तीनों चीज आ जाता है। मतलब एक सरफेस जो होता है या जो एरिया होता है उसमें थिकनेस नहीं होता, ठीक है। तो इसी सरफेस को या एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक प्लेन का मतलब क्या होता है, टू डायमेंशनल सरफेस एरिया। इसको आप एक ऐसे समझ लो, आपके नोटबुक का एक पन्ना जो है ना, थिकनेस उसका क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। तो उसी को आप प्लेन या सीट या टू डी सरफेस एरिया कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लेन का मतलब नो थिकनेस, आप समझ लीजिए, नो और नेग्लेजिबल थिकनेस। जैसे ये मेरा बोर्ड का एक सरफेस है, ये आपका क्या कहलाएगा, प्लेन या टू डी सरफेस एरिया या सीट, है ना। इस सरफेस का जो सामने आपको दिख रहा है, इसमें कोई थिकनेस नहीं है, पीछे नहीं जा रहे हैं, बस खाली सरफेस का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो
ये वेक्टर, ये सब है काम, इसी बोर्ड के प्लेन में है ना। ये सबको हम क्या कहेंगे, को प्लेनर। तो को प्लेनर का क्या मतलब होता है कि अगर वेक्टर सबके सब एक ही प्लेन में हो, ठीक है ना, वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन, तो उसको हम क्या कहेंगे, को प्लेनर वेक्टर। जैसे एग्जांपल देता हूं, 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कहाँ है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ध्यान दीजिएगा। 4i कैप प्लस 3j कैप, ये कहाँ है, एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन 3i कैप प्लस 4k कैप ये एक्स वाई प्लेन में है क्या, नहीं है, ये कोप्लेनर इन दोनों के हिसाब से नहीं होगा। तो ये एग्जांपल है सिंपल, ऐसे हजारों तरह के एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इन दोनों को देखिए, ये किस में है, एक्स जेड प्लेन में, और ये भी किस में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कोप्लेनर, ठीक है ना। ऐसे ये दोनों आपस में क्या था, कोप्लेनर। तो कोप प्लेनर होने के लिए सेम प्लेन में एग्जिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप नोट कर लीजिए, चलते हैं आगे। अब आगे बताता हूं आपको, को इनिशियल वेक्टर, इसका मतलब सबका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा। वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, देखिए ये है सबका क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अगला जो है इसका नाम है को टर्मिनस, को टर्मिनस का मतलब है जिसका सबका एंडिंग पॉइंट सेम हो, एक ही जगह पे जाके खत्म हो रहा हो। वेक्टर्स हैविंग सेम एंडिंग पॉइंट, देखो आप सबका एंडिंग पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, जिसको बोलेंगे कोटर्नस वेक्टर, ठीक है, बहुत इजी है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब आखिर का दो बच गया है, वेक्टर का टाइप है ना, उसके बाद हम लोग वेक्टर एडिशन भी करेंगे। यह है पोलर वेक्टर, ये असली में वेक्टर है, ठीक है, रियल। एक होता है एक्सियल वेक्टर्स, ये भी वेक्टर है लेकिन ये स्यूडो वेक्टर है। स्यूडो समझते हैं आप लोग, नकली वेक्टर है ना। स्यूडो का मतलब क्या होता है, धोखा होता है, धोखा, ठीक है। तो पोलर वेक्टर क्या होता है, जिसके पास ओरिजिन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर, और इसके पास ओरिजिन नहीं होता है, खाली एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस वेक्टर्स डू नॉट हैव ओरिजिन बट दे आर डायरेक्टेड
अलोंग, याद रखना एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। ये जो है ना, ये सर्कुलर या रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल है जो इस पाथ पे घूम रहा है, आप ऐसे हाथ घुमाइए, ठीक है, तो ये डायरेक्शन कहाँ बता रहा है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है। तो इस यहां पर मैं एंगुलर मोशन कर दे रहा हूं, तो एंगुलर मोशन से रिलेटेड जो भी क्वांटिटी है वो सब कहलाएगा एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा मतलब एंगल डी थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, आगे चल के पढ़ेंगे आप एंगुलर मोमेंटम, ये एल वेक्टर लगा हुआ है, लिखा हुआ है, टॉर्क, ये भी आप आगे चल के पढ़िएगा बहुत आगे। तो ये सब हो जाता है एक्सेल वेक्टर, इसका उल्टा पोलर वेक्टर। इनके पास ओरिजिन होता है और इनके पास कोई एक्सिस वैक्सिस नहीं होता है। दीज वेक्टर्स डू नॉट हैव एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन बट दे हैव ओरिजिन, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये ट्रांसलेशनल मोशन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ट्रांसलेशनल, और याद होगा ट्रांसलेशनल मोशन को हम दो पार्ट में ब्रेक करते थे, लीनियर और रैंडम। तो लीनियर मोशन जो था उसका दो टाइप था, कर्वी लीनियर और रेक्टिलिनियर, ठीक है। तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, ट्रांसलेशनल मोशन या उसी का एक डिवीजन था लीनियर मोशन, उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। एग्जांपल, लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर मोमेंटम और फोर्स, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ये वेक्टर का पूरा टाइप खत्म हो गया जी।